मैं नैना चावला साई मुस्कान के सभी दर्शकों को ओम साई राम। आज मैं आपसे साई बाबा की प्यारी बेटी सीमा सती जो दिल्ली से हैं उनसे मिलवाती हूँ, उनसे रूबरू कराती हूँ आपको। बाबा की मीठी मीठी प्यारे प्यारे अनुभव आपके साथ शेयर करेंगी। तो आइए सीमा सती जी, साई मुस्कान के सभी दर्शकों से आप मिलिए। ओम साई राम। ओम साई राम सबको, साई मुस्कान की पूरी टीम, नैना आपको बहुत बहुत शुक्रिया करूंगी कि आपने मुझे बुलाया बाबा के अनुभव बताने के लिए। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपनी बात शेयर करूं कि बाबा के साथ मेरी जर्नी कैसे हुई। पहले तो मैं ये बोलूंगी कि मैं आपके सामने हूँ तो ये मेरे को बाबा की तरफ से जीवन दान है, पर मैं इसकी बात बाद में बताऊंगी। पहले मैं आपको ये बताऊंगी जिस घर में मैं आज बैठी हूँ, ये घर मैंने 2007 में लिया था और मैं बहुत परेशान थी कि बाबा मुझे घर चाहिए, बहुत किराए का मकान वो करके मैं बहुत दुखी थी। बहुत जगह मैंने ढूंढ लिया, कहीं मेरी बजट से ज्यादा बहुत मांग रहे थे डीलर्स। तो मैं जब बहुत थक गई तो मैंने बाबा को अरदास करी, शिरडी में पंडित जी को भी बोला, पंडित जी प्लीज आप अरदास लगाओ। तो मैं इस घर में आई तो डीलर जब मुझे लेकर आया, मैंने कहा बाबा मेरे साथ साथ चलो और मुझे घर दुला दो। पहले तो ये था घर का नंबर ही 43 था, 7 नंबर मेरा लकी है, 4+3=7। तो मेरे को वैसी खुशी हुई। फिर जैसे मैंने अंदर एंटर करा तो घर में क्या था, घर तो खाली था पर थोड़ा बहुत जैसे कूड़ा वो रह जाता है, पिछले लोग जो चले गए थे साफ सफाई का। मैंने देखा कि एक कैलेंडर रखा है, कागज है, मैंने उसको खोला तो उसमें बाबा का स्वरूप, बाबा का फोटो। और मैं इतनी खुश हो गई तो मुझे लगा कि बस मैं बाबा ने मतलब रजामंदी दे दी है और मैं खुश हो गई। और बाबा ने उसको उस घर की डील करा दी मेरे बजट में और आज ये घर बहुत अच्छे से बनवा भी दिया है, ये सब बाबा की कृपा हुई। और दूसरा मैं ये कहूंगी कि बाबा हर पल बहुत साथ रहते हैं, सबका साथ निभाते हैं। जब याद करो मुझे कभी उन्होंने कुछ चीज ऐसी महसूस नहीं कराई कि मैं रो कर पाऊं कि बाबा मेरा काम क्यों नहीं हो रहा, जैसा मैं सोचती हूँ मेरा काम तुरंत हो जाता है। और दूसरा 2009 में मैं फर्स्ट टाइम गुरु पूर्णिमा गई। गुरु पूर्णिमा में क्या हुआ कि मैंने कहा बाबा सब कुछ ना कुछ लेकर आ रहे, मैं तो आपके पास कुछ भी नहीं लेकर आई, ये होटल में बैठी मैं सोच रही थी कि मुझे कुछ लेके आना चाहिए था। पर मैंने बाबा से प्रेयर करी, बाबा मैं तो कुछ नहीं लाई, मेरी भक्ति ही आपके पास है और वो आप जानते हो कि क्या है क्या नहीं है। उसके बाद मैं चावड़ी में खड़ी, मेरा हमारा सर्कल था, फ्रेंड सर्कल था, हम सारे खड़े थे, मैं किसी को नहीं जानती थी उस टाइम, 2009 की बात बता रही हूँ। आज की डेट में तो सब लोग पहचानते हैं, बाबा बुलाते रहते हैं, पर उस टाइम मैंने किसी को पहचानती थी। तो इतने में हम सब लोग खड़े थे और पंडित जी आए चावड़ी से और उन्होंने मुझे बोला आप इधर आइए। मैं गई तो उन्होंने मेरे को एक डिब्बी दी, एक शॉल दिया। तो मैंने कहा क्या है, और मैं बड़े रोती रही कि मैंने कभी ये क्या है। तो कहते ये बाबा की तरफ से मेरे को ऐसे आदेश आ रहा है कि मैं ये आपको दूं। और जब मैं देखा और मैं रोने लग गई कि ये क्या बाबा, मैं अभी आपसे क्या बात करी थी, मुझे तो आपको देना था और आपने मुझे उल्टा मुझे गिफ्ट दे दिया आज गुरु पूर्णिमा में। और देखा तो उसके अंदर, कहता रे रो क्यों रहे हो, देखो तो सही इसके अंदर क्या है। तो मैंने देखा तो चांदी के बाबा और चांदी की लक्ष्मी, और मैं इतना रोई, सब लोग खुश हुए जो मेरे साथ थे, मेरे फ्रेंड्स वगैरह बहुत खुश हुए कि बाबा ने तो आज आपको देखो गुरु पूर्णिमा में कितना अच्छा दिया। मतलब बाबा का विश्वास दिन पे दिन बढ़ता रहा और बहुत ज्यादा बढ़ता रहा। और जो मैं अभी तुम्हें शुरू में बताया था कि जीवन दान मिला, ये क्या था कि मेरा टाइफाइड हुआ था मुझे, और टाइफाइड मेरा बिगड़ गया था, इतना बिगड़ गया था कि मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि ये बच नहीं सकती, उन्होंने जवाब दे दिया था। और इस बीच क्या हुआ, मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, 18 दिन हॉस्पिटल में रही और डॉक्टर ने मना कर दिया था कि ये बहुत मुश्किल मतलब हो गया है। तो अब घर में उधर क्या हुआ, मम्मी के पास एक बाबा जी आए, उन्होंने बोला बेटा मुझे चाय पिला दो। उन्होंने बोला भी मैं चाय नहीं पिला सकती, आप मेरे से पैसे ले लीजिए बाहर पी लो क्योंकि मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, बहुत हालत नेचुरली हालत बहुत खराब रहती है ऐसे। तो उन्होंने बोला उसको कुछ नहीं होगा, ये जो आप मुझे पैसे दे रहे हो ना 10 रुपए जो भी था उसने, मम्मी ने जो भी निकाल के दिया सोच के, तो कहते इसका ना तुम बता से बांट देना, उसको कुछ भी नहीं होगा। और जैसी मेरी मम्मी ने वो करा और मेरी धीरे धीरे मेरी तबीयत ठीक होती रही, मैं इम्प्रूव करती रही और मेरे जो मतलब मैं 18 दिन में बिल्कुल ठीक हो गई, कहां डॉक्टर ने मुझे जवाब दे दिया था। तो बाबा जब मैं ठीक हुई तो मैं डॉक्टर्स के कैबिन में गई, वो हस्बैंड वाइफ थे, ये चम्मू के थे वो हस्बैंड वाइफ, मैंने उनको थैंक्स करने गई, मैं उनके हाथ को जैसे डॉक्टर लेडी डॉक्टर थी उनको मैंने हाथ, तो वो उनकी आंखों में आंसू आ गए
कहते हम ना ये बहुत चमत्कार देख रहे हैं कि तुम्हारा केस बहुत डेंजरस था, बहुत तुम एक उस लाइन पे थी, कैसे बच गई? तो उनके हस्बैंड ने बोला हमने नहीं बचाया, तुम माथे पे क्या लगाती थी? तो मैंने कहा साई उदी। तो वो जो साई उदी में हमेशा मैं अपने तकिए के नीचे रखती थी, और उन्होंने बोला कि बस जो भी जिसकी भी तुमने ये उदी लगा रखी है ना, उन्होंने ही तुम्हें बचाया है। तो मैंने कहा वो तो है, मेरे साई ने बचाया, और वो कौन हो सकता है। और अनुभव तो बहुत है, छोटी छोटी सी चीजें बातें हैं। और जैसे मैंने ये घर जब लिया, उसके बाद मैंने अब मतलब घर में पूजा करवाई, हवन करवाया। जब हवन करवाया तो मैं अपने मन में आरती चल रही थी, मेरे मन में आया कि बाबा आप खुश हो ना, घर आपने दिलवाया, आप मतलब मेरी खुशी में मतलब शामिल हो। अभी जस्ट मैं इतना ही कह रही थी कि मेरी भांजी ने बोला मासी देखो दरवाजे पे कौन है, वो ये वाइट पटका, वाइट कपड़े, ऑफ वाइट, और बिल्कुल ऐसे बाबा की तरह से क्रॉस करके खड़े हुए, टेक लगा के। और मैंने जब उनको देखा तो क्या वो मेरी आंखें वैसी हो गई, और मैं रो पड़ी, और मैंने बाबा को मतलब देखती रही, मैं कुछ कर नहीं पाई। एक्टिविटी जो जैसे हमें पता हो मेरा साईं सामने खड़ा है, हम उनको पैर पकड़ लेंगे, हमको खींच लेंगे, पर मैं ब्लैंक हो गई एकदम। मैंने कहा अब वो मेरे को देखी जा रहे, एक टक में उन्हें देखी जा रहा, हम दोनों का आई कॉन्टेक्ट हो रहा। तो मैंने कहा कि मैं क्या करूं। बस पांच फ्रूट्स जैसे पूजा के टाइम रखे हुए थे, वो निकाल के मैंने उनकी झोली में दिए, और मैंने उनको देखा दक्षिणा। उस टाइम मैंने 20 रुपए ही निकले, जबकि मैं अपने साई को कुछ भी दे सकती थी, तो उस टाइम सिर्फ 20 रुपए ही निकले। जितनी जैसे उन्होंने मेरे से दक्षिणा लेनी है, वो ज्यादातर मेरे से 20 रुपए ही लेते हैं दक्षिणा। जब भी मैं कहीं होती हूँ मेरे हाथ से वो 20 रुपए ही निकलते हैं। तो उन्होंने मेरे को बोला बेटा नमो नारायण अच्छा करेंगे, तो बस नमो नारायण अच्छा करेंगे, वो चले गए। और जब वो चले गए तो मैं जैसे होश में ही, मैंने कहा अरे वो तो मेरे साई थे, जाओ ढूंढ के आओ, अब कहाँ मिलते बाबा को। बाएं देखा दाएं देखा, सीढ़ी से उतर के वो बाबा चले गए। तो ये वो है ये छोट, और कौन है, ये मेरा साई तो था जो आया था, और जो मुझे बचाया है, जो मम्मी से मिले वो भी कौन था, वो मेरे बाबा ही तो थे, और कौन था। और तीसरा क्या था कि मैं कभी दशहरे पे नहीं जाती थी, बाबा मुझे हर फेस्टिवल पे बुलाते थे, मैं दशहरे पे नहीं गई जा पाई, मन ही नहीं होता था ना, उन्होंने मुझे कभी बुलाया। तो एक बार मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बोला कि तुम दशहरे पे क्यों नहीं जाती हो, मैंने कहा चलो ठीक है मैं जाती हूँ दशहरे, ऐसे सोच के इस बार प्लान कर। जब मैंने प्लान करा तो फ्लाइट का टिकट था, क्योंकि एट ए टाइम मेरा प्रोग्राम बना, तो फ्लाइट का टिकट 18,000 था। वो मैंने बाबा मैं 18,000 में तो नहीं जा सकती बाबा, भाई इतना पॉकेट मेरा अलाउ नहीं कर रहा था कि मैं 18,000 में फ्लाइट का टिकट लेके, औरंगाबाद का था उस टाइम। तो मैंने गई, मैंने कहा अपने एजेंट को बोला टिकट वाले को, मैंने बोला ऐसा करो मुझे जाना है दशहरे पे, तुम ऐसा करो मेरे को चाहे ज्यादा मेरे को मुंबई की टिकट दे दो, मुंबई से औरंगाबाद, मेरे बजट में। तो कहते ठीक है मैं आपका ऐसा टिकट बना देता हूँ, और मेरी टिकट बन गई। माना कि मुझे उसमें परेशानी बहुत होती, पर हम जो सोचते हैं, हमारे साई ने तो कुछ और सोच रखा था ना मेरे लिए, तो उन्होंने सोचा होगा पहली बार आ रही है इतनी परेशान हो जाएगा मेरा बच्चा, पर चलो कोई बात नहीं। मैं एयरपोर्ट गई, मेरी 10 बजे की फ्लाइट थी, मैं 8 बजे के करीब निकल गई और मैं एयरपोर्ट पहुंच गई। और जब मैं एयरपोर्ट पहुंची अपना वो प्रिंट आउट निकलवाने के लिए, तो उन्होंने बोला आपका तो टिकट है ही नहीं, कैंसिल ना। मैंने कैंसिल ये कैसे, और मिलो पहली बार तो मैं दशहरे पे जा रही थी और वहां पे बाबा का स्टिकर लगा हुआ था। मैंने कहा साईं जी बुलाना ही नहीं था, तो आपने मुझे घर से ही क्यों वो करा। मैं मतलब बहुत परेशान हो गई, और परेशान इतनी हो गई कि वहां बैठ गई, मैंने एजेंट को बोला, एजेंट कह रहा मुझे 5 मिनट दीजिए। तो मैंने कहा कभी ऐसी गलती नहीं, वो भी कह रहा कि सॉरी मैम मैंने कभी ऐसी गलती नहीं हुई, अगर फ्लाइट में कुछ होता तो हम आपको इंटीमेशन देते। अब इंटीमेशन क्या देते, अब मैं तो बहुत परेशान हूँ। 10 बजे बोर्डिंग शुरू हो जाना था, इतने में क्या हुआ जो मैं उन्होंने बोला, फिर मेरे एजेंट का फोन आया, उन्होंने बोला मैडम कि ये फ्लाइट वालों की एयरलाइंस वालों की गलती है, उन्होंने हमको इंटीमेशन दिया, फ्लाइट कैंसिल है कुछ वजह से, जो भी था वजह मुझे नहीं पता, और आपकी टिकट हमने डायरेक्ट औरंगाबाद की दिल्ली औरंगाबाद से की कर दिया, आपको दिल्ली से औरंगाबाद की डायरेक्ट, जो मैं 18,000 के से बच रही थी वो बाबा ने मेरी उसी मतलब मेरे बजट में मुझे डायरेक्ट औरंगाबाद भेज दिया। तो मैं तो खुशी से पागल हो गई, मैंने कहा अरे मेरे साईं। तो मेरे बाबा को पता था कि ये मुंबई जाएगी, मुंबई से औरंगाबाद जाएगी, तो बाबा ने वो सारी रचना रची और मैं दशहरे पे पहुंची। और दशहरे में बाबा ने जो मेरा को जो मुझे प्यार दिया, जो मेरा वेलकम करा मेरे साईं ने, मैं बता नहीं सकती। हर जगह मुझे दिखाया कि मैं यहाँ तेरे साथ खड़ा हूँ, हर तरीके से हर चीज मेरे को वहां से
बहुत कुछ मिला मुझे उस वो साल का। अब मैं हर साल जाती हूँ, अब मैं हर साल जाती हूँ और बाबा उसी तरीके से मुझे बहुत प्यार देते हैं। पहले कहते थे कि जैसे मैं प्यार करती थी, अब प्यार दोनों तरफ से है। मेरा साईं भी मुझे प्यार करता है, अब जिसको कहते हैं इश्क दोनों तरफ है। तो वो जब मुझे याद करता है, मैं ये नहीं कहती, मैं ये बोलती हूँ बाबा अब जब तुम्हें मेरी याद आए बुला लो। तो बस आजकल ये कोरोना की वजह से हम नहीं जा पाए, मैं बाबा से मैं ये विनती करती हूँ, प्रेयर करती हूँ कोरोना जैसी बीमारी को भगाओ और हमें जल्दी से शिरडी बुलाओ।